दोस्तों रामायण सीरियल तो आपने देखा होगा, जो कि 1987 में आया था और जिसको रामानंद सागर जी लेकर आए थे पूरी रिसर्च के साथ। उसमें जो काम किया था मेघनाथ का, जिन्होंने रोल किया था, और उनको तो आप भलीभांति जानते होंगे मेघनाथ को, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए बड़े बड़ों को लोहा मनवा दिया था और जो आज लोगों के दिलों में बस चुके हैं। मेघनाथ का नाम याद करते हैं तो उन्हीं का चेहरा आता है। दोस्तों उनका नाम था विजय अरोड़ा, और जिनके स्टारडम के सामने जो राजेश खन्ना हैं वो भी घबरा गए थे एक बार तो। लेकिन दोस्तों उनका जो अंत था बहुत ही दर्दनाक था, अंत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो जानते हैं पूरी घटना, पूरी कहानी रामायण के मेघनाथ के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेघनाथ का रोल रामायण के अंदर जिन्होंने किया था उनका नाम था विजय अरोड़ा, जो कि पंजाब के रहने वाले थे और 17 दिसंबर 1944 को उनका जन्म हुआ था। दोस्तों बचपन से ही उनका मन एक्टिंग में था, एक्टिंग करना चाहते थे, फिल्मों में काम करना चाहते थे, तो बचपन से ही उनका एक्टिंग में था, फिल्मों में था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1971 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन की, और दोस्तों उसके बाद वह मुंबई चले जाते हैं और काम की तलाश करने लगते हैं। लेकिन काम मिलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें आती हैं, वो सारी समस्याएं और दिक्कतें इनके सामने भी आती हैं। तभी क्या होता है, यहाँ उनको पहली फिल्म मिल ही जाती है, और पहली फिल्म का नाम होता है ज़रूरत, और ज़रूरत में इन्होंने काम किया था, खूब अच्छा काम किया गया था, लेकिन ज़्यादा पहचान अभी इनको नहीं मिल पाई थी। हालांकि इनको असली पहचान यादों की बारात फिल्म से मिली, जिसको आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने बनाया था। यादों की बारात एक ऐसी फिल्म थी जिस फिल्म से इनको पहचान मिलती है और फिर यह अपना सिक्का चलाने में कामयाब हो जाते हैं। 1973 में आई इस फिल्म का गीत चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दोस्तों यह जो गीत है इतना हिट हुआ था कि रातों रात इस गीत ने विजय अरोड़ा को सुपरस्टार बना दिया था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, वो आज भी लोगों की जुबान पर है, लोग याद करते हैं, लेकिन विजय अरोड़ा जी को भूल चुके हैं बहुत सारे लोग। उनको पता नहीं है कि मेघनाथ का रोल जिन्होंने किया था यह गाना भी उन्हीं का है। दोस्तों खासकर लड़कियाँ तो उस दौर में उनके हैंडसम लुक को देखकर उनके ऊपर फिदा हुआ करती थी, मरा करती थी। स्टारडम चरम पर पहुंच चुका था उस टाइम उनका, यानी कि उनके सामने अच्छे अच्छे हीरो भी फेल हो चुके थे उस ज़माने में। कहा यह भी जाता है कि उस दौर में राजेश खन्ना भी विजय के स्टारडम को देखकर एक बार घबरा गए थे, उन्होंने भी चिंता जताई थी। दोस्तों यहाँ पर विजय ने कई सफल फिल्मों में भी काम किया, जिन फिल्मों में मुख्य नाम हैं ज़रूरत, जीवन ज्योति, राखी और हथकड़ी और आखिरी चीख, एक मुट्ठी आसमान और सबसे बड़ा सुख जैसी फिल्मों में विजय काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। ये सफल फिल्में थी, इनमें विजय ने बहुत सारा काम किया था और इन फिल्मों से उनको बहुत सारी सफलता मिल चुकी थी। उसके बाद 1987 में रामानंद सागर की नज़र विजय के ऊपर पड़ी और फिर उन्हें मेघनाथ के रोल के लिए उनको साइन कर लिया जाता है। और मेघनाथ के रोल में वो कितना फिट होते हैं यह तो सभी लोगों को पता है, पूरे संसार को पता है। उन्होंने जो भी यहाँ पर काम किया था वह लोगों के दिल में उतरने का काम था। बहुत ही अच्छा मेघनाथ का रोल उन्होंने यहाँ पर निभाया था और लोगों के दिलों में अमर हो गए थे और दोस्तों इतिहास रच डाला था। अब दोस्तों उनकी शादी की बात करते हैं। रामायण की शूटिंग के दौरान ही, जब रामायण सीरियल चला करता था, तभी उनकी मुलाकात एक दिलवर नाम की लड़की से हो जाती है और फिर उससे धीरे धीरे उनको प्यार हो जाता है और फिर प्यार के बाद सीधा वो शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद उनको एक बेटा होता है जिसका नाम फरहद है, फरहद रखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से वे ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और बहुत ही आगे तक वे निकल चुके थे, लेकिन दोस्तों अब उनके जीवन में बुरे दिन लौट चुके थे। उनकी जो मौत हुई थी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। एक्टिंग करते करते उनको पेट में दिक्कतें होने लगी थी और इनको लगता था कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ होगा, थोड़ा बहुत इलाज करवा लिया करते थे, कभी इलाज चल जाता था, कभी इलाज नहीं चलता था। इसी तरह से उसको लंबे टाइम तक उस दर्द को खींच देते हैं। उसके बाद जब दर्द रुकता नहीं है तो उसके बाद वो चेकअप कराते हैं और चेकअप में पता चलता है कि उनके पेट में कैंसर की बड़ी बड़ी गांठें हैं। यह जब उनको पता चल जाता है तो वह अंदर तक टूट जाते हैं, हिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब वह बचने वाले नहीं हैं। लेकिन दोस्तों अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे वो जीते हैं और 2 फरवरी 2007 को वह इस दुनिया से विदा हो गए। दोस्तों उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम दिलवर था, वह 62 साल की उम्र में अपने पति के जाने के गम में इतनी पागल हो चुकी थी कि उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट चला और होम्योपैथिकल की दवाई चली, तब जाकर उनका सुधार फिलहाल हुआ है और अब वह अच्छे से रह रही हैं। तो दोस्तों ये थी एक स्टार
जो कि अभिनेता थे जिन्होंने लोगों के दिलों में बसने का काम किया, उनकी कहानी आपको कैसे लगते थे ये, और आपको इनकी कौन सी फिल्म याद है? क्योंकि बहुत पुराने कलाकार थे, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि ये पहले एक्टर थे और बहुत ही तगड़े वाले एक्टर थे। तो आपको कौन सी फिल्म इनकी याद है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन एक कहते हैं घूमती हुई नैया है, न जाने कब गोता मार जाए पता नहीं चलता है। जब तक सूखी हुई है, जब तक चल रही है, जब तक चल रही है, और जब ज़िंदगी के अंदर कोई उतार चढ़ाव आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो कैसी भी नैया हो वह डूब जाया करती है। ऐसा ही चाहे कोई स्टार हो, चाहे सुपरस्टार हो, या फिर आम आदमी हो, जीना और मरना तो सबको होता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन के अंदर अच्छे अच्छे काम करें, लोगों का कुछ भला करके जाएं और इस जीवन को अच्छी तरह से बना कर जाएं। लोग कहते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाते हो, किस लिए कमाते हो, ये साथ नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, पैसे को अगर आपको साथ ले जाना है तो यह साथ जा सकता है, लेकिन बस वह पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए। बेईमानी से कमाया हुआ पैसे का फ़ायदा क्या है? दोस्तों, ईमानदारी का पैसा, जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमें अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, रूस जाते हैं तो वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए ऊपर जाने के लिए भी एक अलग करेंसी है, वह है पुण्य। तो हम अपने ईमानदारी के कमाए गए पैसे को पुण्य में कन्वर्ट करके हम ऊपर अपने साथ ले जा सकते हैं। कौन कहता है पैसा साथ नहीं जाता, पैसा साथ जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्टोरीज मैं यहाँ पर लेकर आता रहूँगा लोगों की जिन्होंने फिल्मों में काम किया है, फिल्मों से संबंधित उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, और हम यहाँ पे जानते रहेंगे कि जीवन के अंदर कैसी कैसी मुसीबतें आ जाती हैं और किस तरह से जीवन की चुनौतियों को स्वीकारा जाता है, उनसे लड़ा जाता है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें हमारे चैनल फिल्मी कहानियाँ को। जय हिंद, जय भारत।